तो जब भी आप विश्वकर्मा का फॉर्म भरने के दौरान यहाँ पे आएंगे तो प्रोफेशनल ट्रेड एंड डिटेल का ऑप्शन है। यहाँ पे अलग अलग आपको 18 कैटेगरी मिलेगी। तो पहली कैटेगरी जो आपको लेनी है वो लेनी है अस्त्रकार के लिए, जो भी अस्त्रकार हैं उनके लिए ये कैटेगरी लेनी है। सब कैटेगरी आपको इसके अंदर नहीं मिलेगी। उसके बाद आएगी दूसरी कैटेगरी, ये फर्स्ट वाली अस्त्रकार हैं। दूसरी आएगी यहाँ पे बार्बर नाई, जो बाल कटिंग का कार्य करते हैं, सैलून लगाते हैं, उनके लिए सेकंड कैटेगरी है। इसके अंदर दो ऑप्शन मिलेंगे, सब कैटेगरी है, जो सैलून वाले हैं उनके लिए फर्स्ट वाली, हेयर ड्रेसर है उनके लिए सेकंड वाली कैटेगरी आपको यहाँ पे लेनी है। इसी प्रकार से जो बास्केट मेकर हैं, टोकरी निर्माता, टोकरी बनाते हैं, अलग अलग प्रकार की आर्टिफिशियल बनाते हैं, यहाँ पे ट्रेडिशनल बास्केट या बम्बू की बनाते हैं या फिर वेट बनाते हैं, तो वो आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग लेंगे। लोहार है, लोहे का कार्य, लोहे के जो भी निर्माण करते हैं दरवाजे वगैरह उनके लिए। बोट मेकर, जो नाव बनाते हैं उनके लिए ये कैटेगरी लेनी है आपको। सुतार हैं, लकड़ी का कार्य करते हैं, लकड़ी के दरवाजे वगैरह बनाते हैं उनके लिए। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखते हैं फुटवेयर निर्माता, जूती वगैरह का निर्माण करने वालों के लिए ये लेनी है। उसके बाद खिलौने बनाने वाले, टॉय, तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्लास टॉय, लेदर टॉय, सॉफ्ट टॉय, वुडन टॉय, तो अलग अलग प्रकार के टॉय वाले हैं, तो उसके अंदर सब कैटेगरी आपको ले लेनी है। उसके बाद फिशिंग नेट जो होती है मछली पकड़ने के लिए, तो उसके लिए ये कैटेगरी लेनी है, सब कैटेगरी नहीं मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे मालाकार, माला बनाने वालों के लिए आपको ये लेनी है। और इसके अलावा जो सोनार है, जो यहाँ पे सोने के या फिर अलग अलग प्रकार के आभूषण का निर्माण करते हैं उनके लिए ये वाली सुनार वाली कैटेगरी लेनी है। इसके अलावा जो हैमर व टूल किट का निर्माण करते हैं जो, उनके लिए ये लेनी है, जैसे कि गडलिया, लोहार वगैरह हो गए, उनके लिए ये हो गई। उसके अलावा यहाँ के लॉक स्मिथ, ये वाली कैटेगरी आपको लेनी है, जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो उसके अंदर भी आपको ये ले लेनी है। उसके अलावा अगली कैटेगरी जो आपको लेनी है वो लेनी है यहाँ पे राजमिस्त्री की। इसके अंदर बहुत सारे लोग आते हैं जो मकान निर्माण, ब्रिक वर्क करते हैं, यहाँ पे छत का निर्माण करते हैं, घर के अंदर प्लास्टर करते हैं, टाइल्स डालते हैं, तो ये अलग अलग चार कैटेगरी आपको राजमिस्त्री के अंदर मिलेगी। तो ये एक महत्वपूर्ण कैटेगरी है, तो इसके अंदर आपको ले लेनी है, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा कुम्हार, मटके बनाने वाले, मिट्टी के खिलौने और अलग अलग प्रकार के जो बनाते हैं कुम्हार, ईंटें बनाने वाले वगैरह, तो वो इसके अंदर आ जाएंगे। इसी प्रकार से मूर्तिकार, अलग अलग प्रकार की मूर्ति बनाने वाले आपको यहाँ पे ले लेना है मूर्तिकार वाली कैटेगरी के अंदर, तो यहाँ पे मूर्तिकार आ जाएंगे, जो भी मूर्तियाँ बनाते हैं तो उनको आपको इस वाली कैटेगरी के अंदर लेना है, जैसे स्टोन मूर्ति हो गई अलग अलग प्रकार की। उसके बाद दर्जी, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं अंतिम कैटेगरी है धोबी, यानी कि इसके अंदर जो कपड़े धुलाई करने वाले जो आते हैं वो इसके अंदर वॉशरमैन जिसे कहा जाता है वो यहाँ पे लेनी है, आपको ऑलरेडी पता होगा। तो इस प्रकार के लोगों के लिए आपको ये कैटेगरी लेनी है जो आपके पास आ जाते हैं। उसी प्रकार से जो सबसे महत्वपूर्ण है दर्जी कैटेगरी, जो यहाँ पे कपड़े सिलने का कार्य करते हैं उनके लिए आपको दर्जी कैटेगरी लेनी है। तो यहाँ पे ये सभी कैटेगरी विश्वकर्मा योजना के आवेदन करने के दौरान मिलती हैं। तो अलग अलग लोगों के लिए 18 कैटेगरी हैं, तो अलग अलग कैटेगरी में जो लोग आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कैटेगरी का सिलेक्शन करना है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन